और मेरी समझ में अब आ रहा है कि मुझे भी एक नया निश्चय कर लेना चाहिए। और नया निश्चय जो है कि वो हमने जो विश्व धर्म बनाया है, जो हमने विश्व धर्म की स्थापना की, जिसको हम मानते हैं, उसकी मर्यादाओं में जो नहीं रहता है उसे सहयोगी कहलाने का अधिकार नहीं। ऐसा मैंने सोचा है कि एक नया निश्चय हम लोग कर, जो इसकी मर्यादाओं में रहता है वही इस धर्म का पालन करने वाला हो सकता है। जो विश्व धर्म को मानता है वो अगर इसमें नहीं रहे तो उसको हम सहयोगी मानने को तैयार नहीं। जैसे कि कोई समझ लीजिए सहयोगी है और वो डावरी लेता है तो वो सहयोगी नहीं हो सकता। कोई है वो जाति पाति विचार रखता है, वो सहयोगी नहीं हो सकता। कोई ऊंच नीच विचार रखता है, वो सहयोगी नहीं हो सकता। तो आज मैंने यही निश्चय किया है कि आज से जो भी कोई इंसान अपने को सहयोगी कहलाएगा उसमें विश्व धर्म की पूरी कल्पना होनी चाहिए। इतना ही नहीं कि कल्पना में हो, लेकिन उसके आचरण और व्यवहार में अगर ये बात नहीं हो, समझ लीजिए किसी सहयोगी ने इस तरह की हरकत की, तो उसको सहयोग में रहने का अधिकार नहीं है। उसको कहना चाहिए कि इसके लिए आप कोई प्रायश्चित करें और उस प्रायश्चित स्वरूप आप अपने को पहले ठीक करें और तब ही आप सहयोग में आ सकते। ऐसे करने से संकीर्णता आ जाए, लोग कहें कि कम लोग हो गए, कोई हर्ज नहीं। भगवान के दरबार में भी बहुत कम जगह बची हुई है, आपको पता नहीं है वहाँ कितने लोगों को आप घुसेड़िएगा। नर्क में भी जगह नहीं रह गई तो कहीं बीच में ही लटका के लोगों को रखना पड़ेगा इसलिए जो आधे अधूरे लोग हैं, जो कहीं के ना रहे, ऐसे लोगों को सहयोग में नहीं आना चाहिए। बेकार में परेशान करने से कोई फायदा नहीं। जो लोग सहज में योग में आए वो सहयोग के मर्यादाओं में रहे, उसका अपने आचरण में लाए, उसको अपने व्यवहार में लाए, अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको उसके बारे में पूरी तरह से बताएं और ये कहें कि हम विश्व धर्म में विश्वास करते हैं और हम किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते। और जो लोग ऐसा नहीं कहते हैं उनको हम सहयोगी नहीं मानेंगे। जो लोग डरते हैं समाज से ये कहने में कि हम विश्व धर्म के योगी हैं, जो ये कहने में डरते हैं कि हम सहयोगी हैं, ऐसे लोगों के लिए सहयोग नहीं। सहयोग की मर्यादाएं बिल्कुल आपको पूरी तरह से माननी पड़ेगी। जैसे कि बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि माँ हम थोड़ी बहुत शराब वराब पी लेते हैं, थोड़ी बहुत सिगरेट भी पी लेते हैं, तंबाकू भी खा लेते हैं, आप सहयोगी नहीं हो सकते। जो सहयोग की मर्यादाएं हैं उस मर्यादा में जो मनुष्य नहीं रहेगा वो विश्व धर्म को नहीं मान सकता। और ये विश्व धर्म हमारा जो है इसको पूरी तरह से स्वच्छ रखना है, क्योंकि ये सिर्फ विश्व धर्म नहीं है, विश्व निर्मल धर्म है। इसमें कोई भी अशुद्ध बात हम आने नहीं दे सकते, इसलिए जो अशुद्ध है वो इसमें नहीं आ सकता। इसमें वही लोग रहेंगे जिन्होंने पूरी तरह से विश्व धर्म निर्मल धर्म को माना और उसके तरह अपना आचरण किया। यही निश्चय आज हमने अपने जन्मदिन के दिन किया हुआ है और आशा है आप लोग इसे प्रेम से स्वीकार करें। अब ये विश्व धर्म की क्या क्या विशेषताएं हैं और ये कैसा होना चाहिए, इसकी गहनता क्या है, इसके बारे में मैं किसी दिन और बताऊंगी। लेकिन अभी इतना ज़रूर जान लेना है कि मोटे तौर से जो बातें आप जानते हैं वो कम से कम आप लोग नहीं कर सकते। जो बहुत ही साधारण तरीके से भी आप जो देख सकते हैं कि ये चीज़ सहज नहीं, वो चीज़ आप नहीं कर सकते। और अगर आप उसे छुटकारा नहीं पा सकते तो हमें आप छुट्टी दीजिए, हम आपसे जूझ नहीं सकते। बहुत से लोगों को हमने देखा है बीमारी के लिए ठीक होने आएंगे, उसका दूसरी फिर बीमारी ले आएंगे, फिर तीसरी बीमारी ठीक ले आएंगे। वजह यह कि एक बार ठीक होने के बाद आपको सहज होना चाहिए। अगर आप सहज नहीं हुए फिर से आप असहज हो गए तो फिर से आप बीमार हो जाते, फिर आपको कोई बीमारी लग जाती, फिर आप ज़िंदगी भर हम आपको धोबी जैसे धोते ही रहें क्या?
तो आपको भी अपने को निर्मल रखना चाहिए और इस धर्म को इस तरह से मानना चाहिए कि ये हमारा अलंकार है, ये हमारी शोभा है, यही हमारी विशेषता है, इसीलिए आज हम संसार में इतने ऊंचे स्थान पर बैठे। अंग अंग में इसका विचार होना चाहिए, प्रत्यंग से वाइब्रेशंस बहते हैं, ये समझ लेना चाहिए कि परमात्मा इतने लालायित हैं आपको इसे सुशोभित करने के लिए, लेकिन आप कितने इसके प्रति जागरूक हैं और आप कितने इसके लिए सिद्ध हैं, ये आपको खुद समझ लेना चाहिए। हमसे जितना हो सकता है आपसे हम बता देते हैं, और यही मानदंड चलेगा कि जब तक आप सहयोग के धर्म के पालन नहीं करेंगे तब तक आप सहयोग में अंदर आ नहीं सकते, आपको पूजा का अधिकार नहीं, किसी चीज़ का अधिकार नहीं रह जाए। और जो लोग इस मर्यादा में रहेंगे उनको ही अधिकार रहेगा, हो सकता है उसमें चार पांच ही लोग रह जाएं, कोई हर्ष नहीं, आसानी रहेगी। तो इसके प्रति अत्यंत जागरूक रह करके आप लोग अपना व्यवहार जीवन इस तरह से बनाएं कि आप सार्थ हो, आपका जो स्वयं है उसका अर्थ निकले, सार्थ हो जाए और उसी के साथ आप समर्थ हो जाए, यही हमारा आपको आशीर्वाद है कि सब लोग अपनी शक्ति में समर्थ हो करके इस प्रेम की शक्ति को सारे संसार से प्लावित करें।